मैं दुकानदार भाइयों से, उपभोक्ता बंधुओं से भी निवेदन करना चाहूँगा कि देश के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए निश्चित रूप से अधिक कैशलेस का इस्तेमाल करें। इससे देश को बहुत बड़ा लाभ होगा। कैशलेस स्कीम का जो दूसरा तरीका है वो है UPI। जिसके पास भी स्मार्टफोन है वो स्मार्टफोन में किसी भी बैंक का, अभी आज के टाइम पे 32 बैंक्स ऐसे ही हैं जिनका UPI अपना ऐप है, उसके थ्रू से आप ऐप, कोई भी बैंक का UPI ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उसी ऐप के थ्रू से आप अपना पेमेंट वगैरह या बैंक की सारी डिटेल का काम आप कर सकते हैं। आपके पास अगर 4-5 अकाउंट भी है तो भी आप एक सिंगल UPI से सबको लिंक कर सकते हैं और एक ही UPI से आप सारे काम कर सकते हैं। तो UPI के लिए मैं आपको थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि उसको हम कैसे यूज करते हैं। जैसे मेरे पास अभी HDFC का UPI है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो HDFC का UPI है, HDFC UPI मैं आपको ऑन करके मैं दिखा रहा हूँ। इसमें आप UPI का एप्लीकेशन आपने खोल लिया, इसमें आपको पे करना है तो पे को आप क्लिक कीजिए। पे को क्लिक करने के बाद आपसे बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, 4 ऑप्शन है अवेलेबल। वर्चुअल एड्रेस है, अकाउंट नंबर IFC कोड है, मोबाइल नंबर MMID है एंड आपके पास आधार कार्ड है। तो आप किसी भी पर्सन को आप चूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे वर्चुअल एड्रेस से पे करना है, तो अगर मान लीजिए किसी के पास वर्चुअल एड्रेस आपके पास पता है तो आप यहाँ पर टाइप कर लीजिए। जैसे मान लीजिए मैं वर्चुअल एड्रेस किसी को टाइप कर रहा हूँ और यहाँ पर मैंने टाइप किया। टाइप करते ही आपके पास वो वर्चुअल एड्रेस ऑटोमेटिकली उनके नाम वहाँ पे शो कर देगा जिसको आप पेमेंट करना चाहते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं, जैसे आपने टेस्ट लिख दिया या कुछ भी लिख दिया और आपको उनको 25 रुपीज़ या कुछ भी अमाउंट पे करना है तो आप पे कर दीजिए। देखिए ये रिक्वेस्ट हैज बीन एक्सेप्टेड, ठीक है। इसी तरह से आपके पेमेंट हो गया, उसी टाइम आपके पास मैसेज आ गया, जिस बैंक को आपको पेमेंट करना था और जिस बैंक को आपको डेबिट करना था उसके दोनों के पास मैसेज आ जाएंगे। आज सरकार ने कैशलेस व्यवस्था प्रारंभ की है और इस देश के किसानों के लिए, खरीद फरोख्त के लिए बेहतर व्यवस्था है। सरकारी संस्थाओं के लिए ये बेहतर व्यवस्था है, देश को मजबूत करने के लिए ये बेहतर व्यवस्था है। हम चाहते हैं कि सभी लोगों को, विशेष रूप से ग्रामीण अंचल के लोगों को, इस व्यवस्था के अनुसार खरीद फरोख्त करना चाहिए और जो ग्रामीण अंचल में कम पढ़े लिखे लोग हैं उनमें जागरूकता पैदा करने के लिए हम सब लोगों को मिलजुल करके प्रयास करने चाहिए, सहकारी संस्थाओं को आगे आना चाहिए।